गुड आफ्टरनून के गुड आफ्टरनून गुड channel. वेलकम टू you kids? कैसे हो बच्चों? तो आज हम पार्ट three morphology इन flowering plants करने वाले हैं जिसमें आज हम कवर करेंगे और अगर भगवान ने चाहा तो flower भी आज के लेक्चर में शुरू कर देंगे ठीक है बच्चों? तो so जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए चार्ट सेक्शन में अपनी नोटबुक्स आओ क्योंकि हम आज का लेक्चर शुरू करने वाले विद लीफ एंड इन तो यस बच्चों जितने भी हमारे नए बच्चों पढ़ रही है ट्वेंटी टू की ट्वेंटी थ्री की सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स अब आते हैं बेटा तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे सारे नए बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों जल्दी से हमारा नीट टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साठ हजार बच्चे हैं तो आपको भी जल्दी से पधारना है ठीक है यस फिर आते हैं आपके लॉन्ग टर्म बैचेस पे सब्सक्रिप्शन पे जहां पे विदाउट डिस्ट्रैक्शन लीड साथ टीचर्स के साथ, साथ बातें करके ठीक है और बहुत बढ़िया परफॉर्म करने के लिए नीट एग्जाम में आप आज ही इन टीचर्स के बैचेस ज्वाइन कीजिए बारह महीने का सब्सक्रिप्शन पे तीन महीने का फ्री है ट्वेंटी फोर मंथ का सब्सक्रिप्शन पे चार महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है जो आपके टॉप एजुकेटर्स के साथ शुरू हुआ है जल्दी से ज्वाइन कर लो मिस द क्लासेस क्लास मिस भी हो गई तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी ठीक है यस yes, बिल्कुल अब आते हैं नेक्स्ट में बच्चों अब जब आपको ज्वाइन करना है तो हमने क्या करना है हमने एक रेफर कोड यूज करना है जीए नीट जी नीट &E रेफरल कोड आप यूज करेंगे आपको टेन परसेंट ऑफ तुरंत से मिल जाएगा ठीक है तो यानी कि बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे 24 का सब्सक्रिप्शन लेंगे और इंश्योर करेंगे अपने नीट में सिलेक्शन के लिए ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्बैट जो बच्चे स्कॉलरशिप चाहते हैं हर संडे सुबह ग्यारह बजे कॉम्बैट का पेपर होता है इसको भी जरूर आप ज्वाइन करें जिससे कि आप स्कॉलरशिप उठा सके वाओ व्हाट अ स्लाइड्स मैन देख रो पत्ती ओ माई गॉड ये है जिंदगी बेटा जब हरियाली हर जिंदगी से सबने मुरझा जाना है ऐसी होती है जिंदगी आई डोंट नो बट हाँ बहुत ही प्यारी स्लाइड्स हैं मजा आ गया यार आज की स्लाइड्स देख के तो जो ही मैम यार जबरदस्त बच्चों जबरदस्त स्ट्रक्चर ऑफ लीफ वैसे मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी होती है आपको लिख देना चाहिए था चैट बॉक्स में वेट कर रही थी बट तुमने अभी तक लिखा नहीं बुरा लगा मुझे Yes, so, राइटिंग और आपके डायग्राम ज्यादा अच्छे होते हैं But since ही माम कुछ भी थे वक्त वक्त की बात है सब बढ़िया हो जाएगा है ना सब चंगा तो कटौती में गंगा यस yes, बिल्कुल तो आ बेटा आज शुरू कर रहे हैं हम लीव के बारे में लास्ट क्लास में मान ने स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था सो वी आर डन विद्रक्चर ऑफ लीव आज हम सबसे पहले जो आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर टाइप्स ऑफ लीव्स उससे पहले हम करेंगे ठीक है तो यानी कि आज का फर्स्ट टॉपिक बच्चा पार्टी इज अब लीव विनेशन क्या होती है अगर आपने कभी पत्तियां ध्यान से देखी हो तो आपको छोटी छोटी रेखाएं मिलेंगी रेखाएं समझते हैं विनेशन ठीक है सो वट इज विनेशन विनेशन होता क्या है द अरेजमेंट अरेन्जमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स इन लीव इज कॉल्ड एस वेनेशन इसको हम कहते हैं venetian. हमारे पास दो तरह के टाइप्स होते हैं कितने टाइप्स होते हैं बेटा दो तरीके के होते हैं पहला जो हमारा टाइप है दैट इज कॉल्ड एस रेटिकुलर रेटिकुलर विनेशन वही जो हमारा दूसरा टाइप है दिस इज कॉल्ड एस पैरलर विनेशन फटाफट -पट से चित्र बनाएंगे चलो आ जाओ बेटा ये हमारा मिडरे हम कहते हैं ठीक है ये हमारी पत्तीस और यहाँ पे इस तरीके से ब्रांच नेटवर्क की फॉर्म में जब वेन्स प्रेजेंट होता है दिस टाइप ऑफ अरेन्जमेंट इज कॉल्ड एस रेटिकुलर मेनेशन ठीक है वही पे जब हम पैरल मेनेशन की बात करते हैं तो आइए समझते हैं फिर से फटाफट से पत्ती बनाएंगे सब बच्चे ये देख रहे हैं आप ये हमने पत्ती बनाई अब यहां पे देख रहे द वेन्स आर रनिंग पार्लर टू ईच ईचर हेयर आर रनिंग पार्लर टू ईच अदर दिस टाइप ऑफ ईचर इज कॉल्ड एज पार्लर वेनेशन ठीक है ये yes, बच्चों तो आ जाओ यहां पे देखते सो वेन वेन्स आर प्रेजेंट इन अम ऑफ नेटवर्क दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलर विनेशन ठीक है एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इसके एग्जाम्पल होते हैं जिसके अंदर आता है आपका पीपल, आता आता है आपका फिर लूफा। तो ये सारे हो गए इसके एग्जाम्पल्स अब आते पार्लर विनेशन जहां पे ऑल दरेंज पैबल टू ईच अदर ठीक है So when veins are arranged parallel to each other, ठीक है बच्चों इसके एग्जाम्पल के सारे मोनोकॉट्स क्या एग्जाम्पल बेटा इसके इन सब के एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स हो गए सारे एग्जाम्पल मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल एनी बडी हुन मी इन द चैट बॉक्स यस एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं बनाना 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 की पत्तियों पे कुछ इस तरीके से आपको वेनेशन मिलेगा पार्लल इस तरीके से ठीक है तो ये तो हो गए आपके वेनेशन अब नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है टाइप्स ऑफ लीव्स जल्दी से लिख लो बच्चों राइट एवरीवन जो लेट आया क्लास में इट्स ओके यू कैन राइट दिस कम ऑन जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। क्योंकि बिल्कुल सही है जिंजर हम्म मतलब सारे एग्जाम्पल डायकोट ऑफ मोनोकॉट के देख के स्टाइल झा रहे हो क्लास में है स्टाइल दिखा रहे हो क्लास में कि मैम देखो हमें ये सब आता है तब समझती समझते तुम्हारी मैम ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक आई होप सबने लिख लिया हो तो जल्दी से थम्स अप देना होता है आपको चैट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं दैट इज टाइप ऑफ लीव्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो तरह की पत्तियां होती है कितने तरह की बच्चों दो तरह की पत्तियां होती है पहली तरह की पत्ती का नाम क्या है सिंपल लीफ यानी मेरे जैसी किसके जैसी मैम के जैसी सिंपल देख रहे हो ना जुड़ा बुड़ा बांध के आ जाते हैं हम बस आ जाते हैं फटाफट से पढ़ाने के लिए ठीक है वहीं पे दूसरी क्या होती है बैठा कंपाउंड ठीक है कंपाउंड यानी कि जिस दिन मैम तैयार होकर आ जाए उसे बोलते हैं कंपाउंड ठीक है अब सिंपल लीफ कैसे चलो मैं तुम्हें बताते बहुत बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे बच्चों ये देखो सिंपल लीफ क्या है ये हो गई मिडरेप ये हो गई पत्ती मिडरेप और पत्ती देख रहे हो बिल्कुल सिंपल है कोई इंसिजन नाम की चीज नहीं है वहीं पे दूसरी पत्ती हम यहां पे बना रहे हैं ठीक है देखो आप देखो इस वाली पत्ती को देखो इस वाली पत्ती को देखो दोनों ही पत्ती में क्या इंसिजन सीजन मिडरेप तक पहुंच रहा है आपका आंसर होगा नो no, मैम तो इस तरह की पत्ती वेन नो इंसिजन इज प्रेजेंट नो इंसिजन इज प्रेजेंट और और इफ इंसिजन प्रेजेंट इंसिजन प्रेजेंट इट इज नॉट रीचिंग टिल रिप टिल रिप

देख पा रहे हैं so, तो यहां पे क्या हो रहा है द इंसिजन्स आर रीचिंग अप टू द मिड मिड्रिप डिवाइडिंग लीफ इंटू लीफलेट ठीक है बिल्कुल सही तो so, यहां पे हम देखेंगे वेन इंसीजन्स इंसीजन्स रीचिंग टू मिड रिप डिवाइडिंग डिवाइडिंग लीफ इन टू Leaflets into leaflets. ठीक है बच्चों ठीक है एंड सच ए मिड्रिप जहां तक इंसिजन आते उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रैकेस क्या बोलते हैं बेटा जहां पे मिड्रिप के पास इंसिजन आते हैं यानी चीराज आते हैं क्या आते हैं बेटा चीराज, चीराज, तब हम उसको क्या बोलते हैं रैकेस बोलते हैं ठीक है ये भी हमारे कितने टाइप्स का होता है बच्चा पार्टी ये भी हमारे टू टाइप्स का होता है कितने टाइप का होता है दो टाइप का एक होता है पिनेटली पिनेटली और दूसरा होता है पामिटेटली दूसरा क्या होता है था पाम की तरह पामिटेटली दो टाइप सबने लिखे अब देखो तो पिनेटली क्या है पिनेटली में भी बड़े सारे टाइप के होते हैं ये तो चैप्टर है टाइप ते टाइप ते टाइप टाइप तो टाइप तो टाइप नेक्स्ट तो चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी अब इसमें कितने टाइप्स हैं चलो बेटा वो भी बना लेते हैं पहला इसका है यूनिपेटली यूनिपिनेटली अब यूनि का मतलब होता है सिंगल जो कि तुम ठीक है इसका मतलब क्या होता है सिंगल यानी तुम ठीक है अब यूनिपिनेटली क्या है ये क्या बनाया मामले रैकेस क्या बनाया बेटा मामले ये रैकेस बनाया और रैकेट के आसपास छोटी छोटी पत्तियां बनाती हुई जी स्क्वायर देख रहे हो होए ओए -ओए, कितनी प्यारी छोटी छोटी लीफलेट्स ये सारी लीफलेट्स है ठीक है डन तो ये क्या बेटा दीज आर लीफलेट्स जो कि डायरेक्टली कहां से आ रही है आपके रैकेट से तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा व्हेन लीफलेट्स अराइजेस From racis directly, racis directly, ठीक है अब देखो यहां पे क्या हो रहा है एंड में कितने टाइप के लीफलेट्स है एंड में दो लीफलेट्स है ये तो एक अरेंजमेंट हो गया दूसरा अरेंजमेंट भी है बच्चों जहां पे कुछ इस तरीके से दिखेगा देखो yes. तो इसमें और इसमें क्या फर्क है टर्मिनल एंड पे लीफलेट प्रेजेंट है टर्मिनल एंड पे लीफलेट प्रेजेंट नहीं है तो यानी कि व्हेन टर्मिनल एंड डू नॉट हैव लीफलेट इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरापिनेट क्या बोलते हैं बेटा पैरापिनेट क्या बोलते हैं पैरिपिनेट अरेंजमेंट पैरिपिनेट अरेंजमेंट जबकि आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे टर्मिनल एंड पे पत्ती प्रेजेंट है प्रेजेंट है टर्मिनल एंड पे पत्ती तो इसको हम क्या कहेंगे इम पैरिपिनेट क्या बोलेंगे बच्चों इम पैरिपिनेट ठीक है सो व्हेन टर्मिनल एंड हैज अ लीफलेट इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इम पैरी पिनेट, इन पैरी पिनेट। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे बेटा इतना सबको समझ में आया समझ में आया कि नहीं आया वापस एक बार मैम बताती है लीफ दो तरह की होती है एक सिंपल और एक कंपाउंड ठीक है सिंपल लीफ वो है जिसमें कोई इंसिजन नहीं है और अगर इंसिजन भी है तो वो मिड रिप तक नहीं पहुंचता है ठीक है वहीं पे बेटा दूसरी तरह के हमारे पास कंपाउंड लीफ जहां पे इंसिजन कहां तक पहुंच रहे मिड रिप तक पहुंच रहे हैं ऐसे मिड रिप को हम रैकेस बोलते हैं ऐसे मिड रिप को हम क्या बोलते हैं रैकेस बोलते हैं ठीक है इसमें दो तरह के होते हैं पिननेटली और दूसरा क्या होता है पामिटेटली पिननेटली की बात करें तो जब रैकेस से डायरेक्टली आपके लीफलेट्स निकलते हैं तो उसे यूनिपिनेट अरेंजमेंट बोलते हैं इस अरेंजमेंट में दो तरह के होते हैं जब टर्मिनल एंड पे कोई लीफलेट नहीं होता है उसे पेरीपिनेट बोलते हैं जब टर्मिनल एंड पे आपकी पत्ती होती है यानी लीफलेट होती है, उसे इनपेरीपिनेट बोलते हैं आया कि नहीं आया समझ में यस टेल मी बेटा अगर आपने कैंसिल कराने बोर्ड तो हमें आगे भी बोल रहे हो हम सरकार थोड़ी है सरकार हमसे है बट हम सरकार नहीं है प्लीज समझिए बात को तो कृपया करके बेटा जितना भी तुमने ये अपनी चलाना ये सब आप अपने एंड पे चलाए हमें कुछ ना बोले हम इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं छोटे मोटे टीचर्स हैं यार करने तो अपनी दिहाड़ी करने आए हैं बेटा क्या करते हो तुम भी चलो आ जाओ अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं इसका एग्जाम्पल कोई बच्चा मुझे बता सकता है यस yes. इसका एग्जाम्पल क्या है ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या किड्स कैसिया एंडस tamarindus ठीक है और इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल है रोजा व्हाट इज एग्जांपल ऑफ दिस रोजा इसका एग्जांपल है रोजा व्हिच हैज इन पेरिपिनेट अरेंजमेंट अब आते हैं पामिटेट पे पामिटेट क्या है बिल्कुल आपके हाथ जैसा कैसे बेटा बिल्कुल आपके हाथ जैसा है ठीक है बिल्कुल और हाथ के अरेंजमेंट जैसे ही बिल्कुल ये पामिटेट अरेंजमेंट होता है अब इसको देखते हैं ये देखिए ये, ये स्टेम क्या बनाया है बच्चों मारने ये स्टेम ठीक है स्टेम से क्या निकलता है पीटीओल ये पीटीओल है जहां पे बच्चों टिप है किसकी पीटीओल की टिप और इस पे आपकी लीफलेट्स अरेंज्ड है ये देख रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ अ पाम यस दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज पामिटेट अरेंजमेंट क्या कहते हैं इसको पामिटेट अरेंजमेंट कहते हैं व्हेन लीफलेट्स

कमोन yes. <laughs> लिखा सबने थम्स जल्दी से बता दो बेटा थम्ज़ आप, थम्ज़ आप, थम्ज़ आप. लिख लिया सबने तो अब पिनेट अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे यानी कि एक यूनिक पिनेट है तो इसके अलावा भी बड़े सारे होते हैं वो अब यहाँ पे लिख लेता है आई होप आपने सिंपल वाला लिख लिया होगा इसको रेस कर देते हैं स्मार्ट बोर्ड पे रेस करना अलग ही टास्क होता है बेटा सही बता रही हूं कुछ चीजें जाती है कुछ चीजें नहीं जाती है ये देखो ऐसे ऐसे टच करना रहता है इनको इरेज करने के लिए यस yes. चलो अब सेकंड पे आते यूनिपिनेट तो हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे बाईपिनेट अरेंजमेंट तो इसी का सेकंड टाइप हम यहां लिखने वाले सेकंड टाइप इज बायपिनेट अरेंजमेंट बाईपिनेट तो अब बाय का मतलब क्या है टू यानी कि अब पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे चलिए जल्दी से स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सबसे पहले मामले क्या बनाया, ये क्या बनाया माम ने? राकिस। और निकल रहे हैं दीज आर सेकेंडरी एक्सटेंशन ठीक है और सेकेंडरी एक्सटेंशन पे अब प्रेजेंट है आपके लीफलेट्स सेकेंडरी एक्सटेंशन पे आप देख रहे हैं अब लीफलेट्स प्रेजेंट है ये देखो टन टन, कितना सुंदर बेहतरीन डायग्राम मैम बनाती हुई स्पेशली फॉर हर किड्स यस बिल्कुल बढ़िया से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गुलगस्ता बना दिया आज बिल्कुल जबरदस्त ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या पता लगता है द लीफलेट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द रैकेस तो यहाँ पे लीफलेट डू नॉट डायरेक्टली अटैच्ड with rachis rachis produces secondary extensions and this type of arrangement you see in case of mimosa touch me not you see in case of mimosa that is touch me not get my body diagram टाइप ऑफ लीव्स हो गया अब नेक्स्ट हम करेंगे फाइलोटैक्सी लिखो फटाफट से बच्चों <laughs> कह रही हूँ बेटा मॉर्फोलॉजी पढ़ने में जितना टाइम लगता है ना पढ़ाने में उसका वन फोर टाइम लगता है हम्म <laughs> hmm. बच्चों चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डू इैक्सी चलो आज फाइलो टैक्सी अरेंजमेंट ऑफ स्टेम किस तरीके से पत्तिया एक प्लांट की डंडी पे अटैच है उसको हम कहते हैं फाइलो टैक्सी ठीक है सो इट इज डिफाइंड एज अरेजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ऑन स्टेम बिल्कुल सही ये हो गया आपका फाइलो टैक्सी ये तीन तरीके की होती है अच्छा तुम्हें कोई भी चीज अच्छी देखने को मिलती है तो तुम क्या बोलते हो वाओ है ना Yes, आप कोई भी चीज अच्छी देखते हो आपका फर्स्ट माय गॉड इट्स वाओ तो यही आपकी ट्रिक टू तो रिमेंबर है वाओ सो so, फाइलो टैक्सी को अगर आपने याद करना है तो यू जस्ट आज इसका फ्लो चार्ट बनाते बेटा मैम ने तो इस पूरे चैप्टर के पास फ्लो चार्ट ही बना रखे हैं पूरे चैप्टर के सिर्फ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट है, ठीक है यस वा की स्पेलिंग वो नहीं लिखनी है जो तुम लिखते हो जो मैम ने लिखी है स्पेलिंग वो स्पेलिंग वो है वाऊ की ठीक है यस तो वाओ वर्ल्ड ऑल्टरनेट एंड ऑपोजिट एंड ऑपोजिट तो तीन तरह के अरेंजमेंट है जिस तरीके से लीव्स अटैच होती है आपकी स्टेम से ठीक है अब ये कैसे कैसे अरेंजमेंट है चलो आओ इसका डायग्राम बनाएंगे बच्चों लेट्स मेक डायग्राम ये स्टेम है स्टेम क्या ये स्टेम स्टेम के पास क्या होती है नोट्स 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 सही बात है या नहीं ठीक है यहां पे बहुत सारी लीव्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड देख रहे हो This is first word from first node. Then you have second one. One, two, three, four, five. So, when leaves are present in a form of word, form of word at word, at each node of step. जमेंट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे अच्छा यह हमारा नोट स्टेम ये नोट वन टू थ्री फोर फाइव अब देखना हर नोट से कितनी पत्ती आ रही है एक हर नोट से आ रही है एक पत्ती देख लो बेटा हर नोट से एक पत्ती आ रही है Yani every node give rise to one leaf, but in an alternate fashion. it. So every node, every node give rise to single leaf in an alternate fashion. In alternate fashion. ठीक है अब आते हैं ऑपोजिट पे लेट्स कम टू द ऑपोजिट वन ठीक है आप देखो यहां पे ये यह स्टेम है वन टू थ्री फोर फाइव ये आपके नोट हो गए अब हर नोट से आ रहा है वन पेयर ऑफ लीफ हर नोट से कितना आ रहा है बेटा वन पेयर ऑफ लीफ देखिए वन टू वन टू वन टू वन टू ठीक है So, हर एक नोट से कितनी पत्ती आ रही है दो ठीक है सो यानी एवरी ईच नोट प्रोड्यूसिस अ पेर ऑफ लीफ इन ऑपोजिट पैशन इन ऑपोजिट पैशन अब आते हैं ट्रिक टू तो रिमेंबर ठीक है ना अस सी व्हाट इज अ ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिक टू रिमेंबर पहले वाली की क्या है वो नर आलस मचाता है कितनी बढ़िया ट्रिक है आपने सुनी है ऐसी ट्रिक जरूर सुनी होगी आई कैन से दैट ठीक है बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं आपने जरूर सुनी होगी बच्चा ठीक है वो 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 माने वर्ल्ड नर नर से याद रखें नीरियम आलस आलस यानी कि एलस्टोनियम करता है बिल्कुल सही बात है वो नर आलस करता है तो करता है आजकल कर लॉकडाउन है बेटा हो ही सकता है क्यों नहीं कर सकता बिल्कुल आलस कर सकते हैं लॉकडाउन में तो ये सब चलता ही है ठीक है अब द ट्रिक टू रिमेम्बर ऑल्टरनेट ठीक है सन सन मस्ट अपियर इन चाइना सन माने सनफ्लावर सन माने सनफ्लावर मस्ट माने मस्टर्ड मस्टर्ड अपियर ए से याद रखना है ऑल्टरनेट कौन सा फैशन शो कर रहा है ऑल्टरनेट ठीक है चाइना चाइना रोज ठीक है यस yes, बिल्कुल ये क्या बेटा चाइना रोज चाइना रोज ये भी याद हो गया बेटा ठीक है नाउ द थर्ड ट्रिक टू रिमेंबर यहां वाली कैलकटा एंड गोवा ट्रिक टू क्या है कैलकटा एंड आर ऑपोजिट तो, तो अरेंजमेंट कौन सा है ऑपोजिट गोवा से गुआवा और कैलकटा से कैलोट्रोपिस कैलोट्रोपिस सिंपल याद हो गया बेटा क्लास में ना ना मेरा पीडीएफ आई सपोर्ट गिविंग यू नोट्स एज पीडीएफ द रीजन बीइंग आप लोग तो मेहनत नहीं करते फिर क्लासरूम में आके यस yes. बिल्कुल बच्चों, बच्चो एंड गुआवा लिख लिया सबने एवरी वन गिव मी थम्स अप अगर आपने सबने ये सब चीजें लिख ली है साइड ट्रिक्स आपने लिख ली है तो आप जल्दी से मुझे बता दें जाओ नेक्स्ट पे आते हैं द ऑर्डर ऑफ अरेन्जमेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट चलिए देखते इधर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट अब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है दो तरह के ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं एक होता है एक्रोपिटल आपको बस एक ही याद रखना है एक्रोपिटल और दूसरा होता है बेजिपिटर पिटर। अब एक्रो यानी ए से स्टार्ट हो रहा है ए से यानी एपिक्स ये हो गया एपिक्स ये हो गया बेस जब एपेक्स पे यंग पत्तियां आ जाए समझ लो जब एपेक्स पे यंग पत्तियां आ जाए और बेस पे ओल्डर लीव्स हो ये ओल्डर लीव्स हैं। तो ये यंग लीव्स एट एपिक्स और ओल्डर लीव्स एट बेस दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एस एक्रोपिटल अरेंजमेंट क्या कहते हैं इसको बेटा दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एस एक्रोपिटल अरेंजमेंट वहीं पे अब ये याद हो गया इसको ऑपोजिट यानी कि ये एपिक्स है यहां पे ओल्डर लीव्स ओल्डर लीव्स यहां पे यंग लीव्स ये वाली ओल्डर हो गई एपिक्स पे और ये वाली यंग हो गई बेस पे दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ग्रोथ इज सीन इज कॉल्ड एज बेजीपिटर क्या कहते बेटा बेजीपिटर राइट किड्स समझ में आ गया ये जो अरेंजमेंट है ये हम यूज करने वाले इनफ्लोरोसेंस में तो इसको अच्छे से याद कर लो बिकॉज आई बी आस्किंग यू दीज वर्ड वेन आई टीच यू इनफ्लोरोसेंस ठीक है टन 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 यस लिख लिया सबने अब नेक्स्ट पे चलते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स आ जाओ नेक्स्ट वी हैव मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स अब इसी ट्रिक टू तो रिमेंबर क्या है प्लीज प्लीज़ ट्राई सूप ठीक है यस yes, बिल्कुल अब देखते हैं यहां पे प्लीज प्लीज ट्राई soup. मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया है अब ये क्या है मैं आपको जल्दी से बताती हूँ ठीक है तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले एक फ्लो चार्ट फिर से बनाना होगा पूरा चैप्टर फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम खत्म करने वाले हैं ठीक है भाई अब देखो तो प्लीज प्लीज यानी पी एंड पी ठीक है आ जाओ पी पी ट्राई टी सूप ठीक है यस yes. तो अब देखते हैं पहले पीसे क्या है हाँ बेटा सोहम नालायक अब मम्मी से पूछ जाके के ये सवाल मम्मी बताएगी और फिर मम्मी ये भी कहेगी क्यों ही किया यस yes. चलो अब यहां पे बेटा पांच चीजें तो पहले क्या बेटा फायलोट फायलोट देन द अदर पीस स्टैंड फॉर पिक्चर प्लांट अदर पीस स्टैंड फॉर पिक्चर प्लांट स्टैंड फॉर टेंड्रिल्स एस स्टैंड फॉर स्पाइन एंड अदर ए स्टैंड फॉर स्टोरेज अदर ए स्टैंड फॉर स्टोरेज अब देखते हैं क्या क्या है ये yes. येस yes, बेटा अब देखते हैं यहां पर पायलोट्स <laughs> क्या है वर्ड ऑफ फायलोट फायलोट क्या होते हैं बेटा जब लीफ के नीचे पिटियोल होता है टू विच इट कनेक्ट विदेम जब पीट्यूल जो है इट स्टार्ट अक्यूमिटिंग द ग्रीन पेगमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस सच अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एस फाइलो ठीक है ये तो यहां पर हो क्या द लीव पीट्योल मॉडिफाइज मॉडिफाइज इन टू ग्रीन कलर ग्रीन कलर टू शो टू शो फोटोसिंथेसिस यानी आप पत्ती के साथ साथ और कौन करने वाला है बेटा फोटोसिंथेसिस फाइलोट्स ठीक है और ये किस में देखने को मिलता है Acacia. किस में देखने को मिलता है एकेशिया में तो एक बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ फाइलोट वे पिट्यूअल मॉडिफाइज टू शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नाउ वी हैव पिक्चर प्लांट ना पिक्चर प्लांट इनकी जो पत्तियां हो होती है ना बेटा डेंजरस होती है पिचर प्लांट वगैरह से हाथ डालू तो मैं हाथ ऐसे खा जाएगा यस ठीक है नहीं हाथ नहीं खाएगा बेसिकली <laughs> क्या होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये जो पत्तियां होती हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं सब कुछ करते हैं बट एट द सेम टाइम इंसेक्ट भी खा जाती हैं क्यों खा जाती है अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ठीक है क्या खाने के लिए overcome khanay ke liye okay? so these pitcher plant digest insects as to overcome deficiency of nitrogen अब आप कहेंगे मैम इंसेक्ट में नाइट्रोजन कहाँ होता है आप पूछ सकते हैं है ना यस yes, आप पूछ सकते हैं कि मैम इंसेक्ट में नाइट्रोजन कहाँ होता है नाइट्रोजन इंसेक्ट में काइटिन में होता है क्योंकि काइटिन इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन जो एन है वो क्या होता है नाइट्रोजन होता है ठीक है नाउ इसका एग्जाम्पल सर ना कर पीट बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है ट्रिक बनाई गई है टाइम टू लीव द प्लान भी कह सकते हो तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है बेटा आप कुछ भी कह सकते हो ठीक है यस yes. तो यहाँ पे सर नाप कर पीठ यानी सर माने सरिया सरसेनिया नाप माने निपेंथिस निपेंथिस एंड द बोथ आर एग्जांपल ऑफ पीट माने पिचर प्लांट एग्जाम्पल ऑफ पिक्चर यानी इनसेक्टिव प्लांट आप कह सकते हो बेटा टाइम टू लीव द प्लान कोई दिक्कत नहीं है मैंने ऐसे याद कर रखा है मुझे ऐसे ही ठीक है लीव आर मॉडिफाइड इन टू स्मॉल इलास्टिकॉयल लाइफ स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द क्लाइंबिंग ठीक है ये -like yes. तो यहाँ पे देखते हैं बेटा वेन लीव Are modified into small elastic coiled structures to support, to support climbing. And this you see in case of pea, yani matter, and sweet pea, and sweet pea. ठीक है इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा ठीक है चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं स्पाइन स्पाइन क्या होते हैं कांटे आपकी जिंदगी में बहुत सारे कांटे होंगे है कि नहीं होंगे एक आध अपने दुख भी लेकर आ जाएंगे यहाँ पे यस मैम बिल्कुल मैम मान्या दे डिजर्व दिस दे आर नॉट हियर टू स्टडी यार सच इट्स ओके बेटा इट्स ओके यस मैम वर्ड्स ट्रिक्स आर इजी टू रिमेम्बर थैंक यू चुन्नू फॉर सपोर्टिंग मी मेरा उत्... प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए थैंक यू चुन्नू यू आर माय फेवरेट चुन्नू ठीक है स्पाइंस स्पाइंस होते हैं काटे व्हेन द लीव्स बिकम स्पाइनी इन नेचर ठीक है सो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स इनटू नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट प्लांट To protect plant from grazers, from grazers. तो जितने भी हमारी गाय हैं, आपने देखा होगा कभी वो एलोवेरा को जाके खाती नहीं है पता है ना एलोवेरा को खाएंगे तो ऐसे हो जाएगा यस बिल्कुल खचखच खचख ऐसे हो जाएगा बिल्कुल तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है एलोवेरा एलो एंड सिट्रस जितने भी आपके सिट्रस वाले एलो वाले ठीक है कैक्टस 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 इसका एग्जाम्पल कैक्टस है सॉरी सिट्रस लिख दिया मैंने उसका अलग मॉडिफिकेशन है ओके okay, बेटा शगुन हो चुका है आपने लिख लिया था आपने लिख लिया था ना बेटा क्योंकि शगुन हो गया है ठीक है यस yes. अब पांचवा माम यहां पे लिख दी गई स्टोरेज लास्ट फंक्शन है स्टोरेज यानी कि जहां पे लीव्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड ठीक है हो गया बेटा उड़ गया सब उड़ गया यस yes, बेटा तो यहां पे क्या है वेन लीव्स आर मॉडिफाइड मॉडिफाइड टू स्टोर फूड एंड दीज फ्लैशी लीव्स यू सी इन केस ऑफ एलियम सेपा अनियन और किस में बैठा अनियन एन गार्लिक अनियन एंड गार्लिक लिख लो बेटा थम्स अप दे देना अगर तुमने लिख लिया हो तो यस मैम सब पोर्शन वाज लेफ्ट बेटा आपको फिर रिप्ले देखकर स्टॉप करना पड़ेगा स्लाइड को आई एम सो सॉरी बेटा अब इसके आदत डालो बेटा ऐसे बहुत बार होगा ये बहुत बार होने वाला है अब तो हमारा एक साल का साथ है बेटा साथ में पूरी इलेवेंथ आपको पढ़ानी है आदत हो जाएगी हो जाएगी बेटा आदत आपको भी हो जाएगी आपके सीनियर्स को भी हो गई आपको भी हो जाएगी चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे बेटा आज का नेक्स्ट टॉपिक है इन, क्या है आज का इन अब इन क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा बैक स्टोरी पे जाएंगे ठीक है फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट टेन मिन यस और नो इन द चैट बॉक्स यस बच्चों एब्सोल्युटली ट्रू है ठीक है तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे मॉडिफाइड शू सही बात है बिल्कुल सोना में सच बात ना द मेरिस्टम द मेरिस्टम टिश्यू चेंजेस इंटू फ्लोरल एक्सिस ठीक है सो so, जो मेरिस्टम मेरिस्टम है दिस मॉडिफाइज इंटू फ्लोरल एक्सिस और जब मैं मॉडिफाई करता फ्लोरल एक्सेस में

नाउ द इंटरनोट डू नॉट इलोंगेट एनी मोर क्योंकि फुल पासपास होते हैं फुल पासपास होते हैं तो इंटरनोट डिस्टेंस जो है अब इलोंगेट नहीं करेगा सो नो मोर इलोंगेशन ऑफ इंटरनोट्स ऑफ इंटरनोट्स सो दीज आर देंजेस दैट यू सी विच अकस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ Modification of meristem into a floral axis. Okay, students. Now next, inflorescence. inflorescence? Inflorescence is the arrangement of flowers. Arrangement of flowers on the floral axis. So it is defined as the arrangement, arrangement of flowers on floral axis. ठीक है ये कितने तरीके के हमें करने बेटा दो तरीके के करने है. कितने तरीके के करने बेटा टू टाइप्स के कर करने हैं एक है रेसमोस दूसरा है साइमोस पहला कौन से बेटा यस yes, फिर से हम फ्लो चार्ट बनाएंगे पहले तरीके का है रेसमोस और दूसरे तरीके का है साइमोस साइमोस अब रेसमोस क्या है देखो बड़ा आसान है टफ के बाद बिल्कुल नहीं है ये हमारा टिप है फ्लोरल एक्सिस का फूल यहाँ पे उग रहा है ठीक है ये रहा फूल चंदा 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 ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हो गए ठीक है ये फूल हो गए अब में आपको क्या देखने को मिल रहा है द एपिकल टिप डू नॉट टर्मिनेट इंटू अ फ्लावर तो जो बेटा ये एपिकल टिप है दिस इज अ टिप द टर्मिनल टिप डू नॉट टर्मिनेट इन टू अ फ्लावर ठीक है वेन टिप डज नॉट टर्मिनेट इन टू अ प्लॉ टर्मिनेट इन टू अर तो यहां पर इसकी ग्रोथ क्या होगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी सो इट विल शो इनडेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ इनडेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ ठीक है एंड दिस यू सी इन केस ऑफ आर एन एन आर से क्या होता है दिस इन केस ऑफ एंड एंड मस्टर्ड मस्टर्ड. आपके एग्जाम्पल ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे दैट इज साइमोस साइमोस पे आते हैं बच्चों. साइमोस क्या है? ये टिप है टिप पे बन गया फूल ये देखो फूल खिले है गुलशन गुलशन टिप पे तो फ्लावर बन के बैठ गए क्या ये ग्रोथ करेगा थ्रू आउट द लाइफ नो इट विल नॉट ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ठीक है सो द टिप ऑफ फ्लोरल एक्सेस टर्मिनेट्स टर्मिनेट्स इन टू इनटू इन टू फोर इट शोज डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न

बे लिया लिखिए जल्दी से यस कमऑन बच्चों लिखो जल्दी से थैंक थान। यू मनीषा बेटा आपके नोट्स बढ़िया बन रहे जितना एनसीआरटी में देखो वो तो मैंने कर दिया NCRD में जितना वो मैं पढ़ा सकती हूँ उसके अलावा अगर आप सोचो कि मैं पीएचडी करा दू तो बेटा उसके लिए आपको दूसरे टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी जी आपको इस एच पीएचडी नहीं करा सकती मैं आपसे खुद ये हूँ पी एच डी आई एम सॉरी ना हो पाएगा यस yes, बिल्कुल <laughs> Yes, बच्चों, चलो नेक्स्ट पे चलते आप प्राची नेक्स्ट बच्चों हमारा है आप जैसे हमारी प्राची है हमारा मंथन है बड़े प्यारे बच्चे हैं ये नेक्स्ट हम करने वाले फ्लावर इन फ्लोरिस कर लिया अब हम करेंगे फ्लावर, फ्लावर जो है बड़ा ही सुंदर होता है ठीक है इट इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड स्टेम तो इसे हम क्या बोलते हैं ये होता है मॉडिफाइड स्टेम अपलार के अंदर क्या होता है चार वर्ल्ड होते हैं कितने वर्ल्ड होते हैं बेटा चार वर्ल्ड होते हैं यानी कि चार चीजें होती है वर्ल्ड जो सबसे बाहर वाला वर्ल्ड होता है उसे हम कहते हैं कैलिक्स कैलिक्स में आते हैं सेपल्स छोटी छोटी छोटे छोटे पतिया ठीक है फिर इसके अंदर आता है कोरोला गाड़ी का नाम भी है इसे हम क्या कहते हैं Petals, यानी जिसे न जब वैलेंटाइन डे आता है तो मैंने कई बार देखा है एक गुलाब का फूल लेके बैठ जाएंगे वो आएगी वो नहीं आएगी वो आएगी वो नहीं आएगी वो आएगी वो, आएगी, वो नहीं आएगी ये करते रहते जो आप आएगी नहीं आएगी के लिए तोड़ रहे हो वही है पेटल वही है करोला ठीक है बच्चों बिल्कुल सही तो अब अरे वो नहीं आएगी मेरे से पूछ लो तुमने कुछ बड़ा काम नहीं किया लाइफ में जो आएगी नहीं आएगी बेटा नहीं आएगी मत करो इंतजार अब तीसरा क्या होता है द मेल पार्ट एंड्रोशियम एंड्रोशियम गलत हो गई एंड्रोशियम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड देन वी हैव द फीमेल पार्ट गायनोशियम गायनोशियम विच इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लॉर ठीक है अब एंड्रोशियम गायनोशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहते हैं प्रेजेंट इन सेम प्रेजेंट इन सेम फ्लॉर इसे हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लॉर क्या बोलते हैं बायसेक् यानी मनोशियस यानी मनोशियस ठीक है मनोशियस और द परफेक्ट फ्लॉर और द परफेक्ट फ्लॉर वहीं पे अगर सिर्फ फीमेल पार्ट हो तो उसे हम मेल पार्ट हो तो उसे स्टेमिनेट बोलते हैं यूनिसेक्सुअल अगर सिर्फ फीमेल पार्ट है तो उसे हम पिस्टिलेट बोलते हैं और ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं यूनिसेक्सुअल यानी कि डायोशियस यानी डायओशियस ये लिख लो बेटा और इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर क्या बोलते हैं इसको इम्परफेक्ट फ्लावर तो जब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो तो क्या बोलते हैं बाइसेक्शुअल यानी कि मोनोशियस ठीक है सेम बॉडी में मेल फीमेल या परफेक्ट फ्लावर जब मेल वाला पार्ट अलग होता है तो उसे staminate बोलते हैं, और होता है अब स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लावर का लेट्स ड्रॉ द वंडरफुल ड्रॉइंग्स विद जी स्क्वायर ठीक है चलिए ये है पेडिसल यानी स्टॉक ये है अ स्टॉक जिसे हम बोलते हैं पेडिसल इसका अंतिम छोर होता है है फूल जाता है. अंतिम छोर क्या होता है इसका फूल जाता है ऐसे जो अंतिम छोर इसका फूल जाता है उसे हम बोलते हैं रिसेप्टिकल या बोलते हैं उसको थैलमस क्या बोलते हैं उसको थैलमस ठीक है स्टॉक है यानी पेडिसल है इसका फूला हुआ एक थमस बोलते हैं जहां से सबसे पहला आता है कैलिक्स ये क्या है बच्चों कैलिक्स ये क्या है कैलिक्स यानी सेपल्स, ठीक है? उसके बाद अब सुंदर सा बनाएंगे बेटा सुंदर सा बनाएंगे बिल्कुल वो बचपन में नहीं बनाते तो दो वैसा वाला बनाएंगे ठीक है देखो ये हम बना रहे पेटल्स ओए होए एक, एक पेटल इतनी सुंदर बनाई है फ्लावर ऑल द ब्यूटी ठीक है अब बनाएंगे हम फीमेल पार्ट यानी फीमेल पार्ट तो आ जाओ फीमेल पार्ट बनाते हैं ये हमने बनाई यहाँ पे गोल सी ओवरी बना रहे सब ओवरी बनाओ ये ओबरी ये उसका स्टाइल और ये उसका स्टिग्मा एस ओ एस स्टाइल ओवरी स्टिग्मा ठीक है ये देखो कितना बढ़िया बनाया है कोई बना सकता है इतना सुंदर कोई बना ही नहीं सकता हम तुम्हें तो बता रहे हैं दिस इज गाइनोशियम जिसके अंदर है ओवरी ओवरी के बाद स्टाइल और सबसे टॉप मोस्ट स्टिग्मा फिर आते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट हमारा है द एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट ठीक है यस तो यानी कि यहां से देखेंगे सब वाओ इट्स वाओ ब्यूटी एंड्रोशियम दिस इज द मेल पार्ट ठीक है जिसके अंदर होता है फिलाेंट एन एंथर तो ऑल दीज पार्ट ऑल दीज वर्स इज अफाइड शूट और बेटा आप इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे ये मैं आपको बता दू बट आप ट्राई जरूर कर सकते हैं यू कैन ऑलवेज ट्राई बेटा मेरे जितना अच्छा तो कोई नहीं बना सकता

ऑफ flour एनमल किंगडम में भी पढ़ते हैं यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं नाम अलग है नाम अलग करके बच्चों को सिर्फ कंफ्यूज करने के तरीके और कुछ तरीके नहीं है सबको अपना दबदबा बनाना है और कुछ बात नहीं है बेटा बच्चों को पागल करना है टीचरों का दिमाग उड़ाना है और अपना उन लोगों ने दबदबा बनाना है और कुछ नहीं बेटा महेश हो गया यार हो गया बेटा इतना क्यूट तो किसी ने नहीं कहा मुझे लाइफ में तुम भी यार यस चलो आ जाओ तीन तरह की सिमेट्री है लिखेंगे सर एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक फिर है, है एसिमेट्रिक एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल ठीक है अब देखो हो क्या रहा है एक्टिनोमॉर्फिक कुछ और नहीं है रेडियल का दूसरा नाम है ये रेडियल सिमेट्री है और ये जाइगोमॉर्फिक कुछ बड़ी बड़ी चीज नहीं है बाइलेटर सिमेट्री है सेम डेफिनेशन चेप दो यहाँ पे सेम डेफिनेशन यहाँ पे चेपेंगे फ्रॉम एनिमल किंगडम ठीक है मतलब कि एक ऐसा फ्लावर जैसे यहां से काटो यहां से काटो ऐसे काटो कैसे भी काटो आपको टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे जैसे कि ये ढक्कन है तुम्हारी बात नहीं हो रही ढक्कन की बात हो रही है ठीक है ये ढक्कन है अब इस ढक्कन को ऐसे काटो दो इक्वल हाफ ऐसे काटो दो इक्वल हाफ ऐसे काटो दो इक्वल हाफ हमेशा ठीक है yes, यस बिल्कुल तो यहां पे आप देख सकते हैं, मॉर्फिक में क्या है वेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर वेन एनी प्लेन Passing through center divides the flower into two equal halves. ठीक है ये हो गया अब आते हैं zygomorphic. zygomorphic में क्या है जैसे आप है आपको सिर्फ यहां से काटेंगे तभी दो इक्वल हाफ आएंगे यानी कि ओनली वन प्लेन ठीक है यस तो ये क्या है वेन ओनली वन प्लेन डिवाइड द फ्लॉट इन टू टू सिमिलर हाफ टू सिमिलर हाफ ठीक है फिर आते हैं एसमेट्रिक कहीं से भी काट लो कुछ इक्वल तुम्हें मिलने वाला नहीं है ठीक है बिल्कुल सही आप देखो यहां पर एसमेट्रिक वेन एनी प्लेन के नॉट डिवाइड प्लॉट इंटू इक्वल हाउस इंटू इक्वल हाउस ठीक है भाई न लाइको आप दो चीज ट्रिक टू रिमेंबर करेंगे हाँ चलो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है एक्शन एमसीडी बेटा मैं बता रही हूं इसके बाद ना बेटा कुछ भी हो सकता है नो एक्शन एमसीडी ये नहीं मैं मैं अपनी दिल इच्छा में बताना चाहती हूँ बेटा बट कोई नहीं ऐसा हो जाता कभी कभी ठीक है ठीक है इसको एक और क्या एक्शन दामुची ठीक है दामू यानी धतुरा धतुरा मू माने मस्टर्ड छी छी माने चिली डबल एल चिली ठीक है बेटा आप समझ रहे हैं ना प्लीज इसको फिलाना मत नो no, लिखना वैसे सही रहेगा नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बट मेरी दिल्ली इच्छा थी मैंने लिख दी बस यस yes, बिल्कुल अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जोया बाई गुलकंद पीती है ओ माई गॉड वॉट अ ट्रिक आई लव माई ट्रिक ठीक है यस जो बाई गुलकंद पीती हैं खाती नहीं है वो पीती हैं। जोया मतलब जाइगोमोर्फिक बाय मतलब बीन्स गुलकंद मतलब गुलमोहर पी माने पी बस सो so इजी और इसका एग्जाम्पल क्या काना 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 ठीक है यस yes. एग्जाम्पल खाना चलो लिखो इसको नहीं। <laughs> ये सारी बातें सेशन में ही रह जानी चाहिए बाहर नहीं जानी चाहिए सेशन से ये सारी बातें थैंक यू बना लिया सबने खुश हो गए तुम लोग लिख लिए नोट्स और जो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा बड़ा है पोजीशन ऑफ ओवरी इन फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर एस्टिवेशन एंड रोशियम एंड गायनोशियम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज की क्लास के लिए इतना ही मैम गुलकंद को पान में खाते हैं तुम्हें क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है बनारस में रहे हम दो साल ज्यादा ज्ञान मत बांटो यहां पे टू इयर्स इन बनारस इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाते थे हम देखे लोगों को पान खाते हुए हर चीज गलत सोचते हो तुम लोग हर चीज गलत कभी कुछ भी बता दो हर चीज गलत सोचते हो तुम लोग ठीक है अब रुको जरा अरे दो मिनट रुको पहले स्लाइड्स की तारीफ करके जाओ जूही मैम बनाई है बेटा जूही मैम बनाएंगे नहीं फिर तुम्हारे लिए स्लाइड्स चलो देखो सब अब दो मिनट तक सिर्फ तारीफ करेंगे स्लाइड्स की बाय जूही मैम ओ वो माई अ व

ठीक है ऑल्टरनेट वाली की क्या थी यस सन मस्ट अपियर इन चाइना मटर 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 बेटा मेंडल मेंडल अंकल चचा याद आने चाहिए आपको ओ माई गॉड सी दिस लीव कितने बड़े बड़े हैं कहीं पे भी हो रहे हैं वेरी नाइस फोटो देखो एलियम सेपा ठीक है ये देखो अनियन गार्लिक जब मिल बैठते हैं तो मस्त चखना बना देते हैं क्या कहते हैं बेटा सही बात है, है? नहीं सॉरी बना देते हैं गलत हो हो गया थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग गई यस ये देखिए पिक्चर प्लांट ये देखिए कितने सुंदर है अब हाथ देंगे तो आपका हाथ खा जाएंगे हाथ नहीं डालने का यहाँ पे ठीक है यस द इनफ्लोरेसेंस देखिए कितने सुंदर है ओह माय गॉड चने के खेत में बिल्कुल मजा आ रहा है देख के स्पेशल इनफ्लोरसेंस ये तो हम पढ़ाए नहीं तुम्हें यस yes. अब बस इतना तो पढ़ाए थे यार बिल्कुल अब चैनल को सब सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करके जाएंगे और एक बढ़िया सा कमेंट पोस्ट करेंगे मैम की तारीफों में कर देना खुद से बोल रही हूं ठीक है और जितने बच्चों को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है जी ए रेफरल कोड लगाएंगे टेन परसेंट ऑफ भी ले जाएंगे और मैम की ब्लेसिंग्स ये देखो तो ऐसे मिलेगी आपको मैम सपने में आएगी और ऐसे करेगी गुड ठीक ठीक है yes. तो, है यस तो बच्चों अब हम चलते हैं कल सुबह ग्यारह बजे फिर परेशान करने आएंगे ठीक sure है, है ये तो होना ही था जब जो हो गया हो गया अब आगे की सोचते हैं है ना बच्चों लॉकडाउन हो गया तो हो गया अब आगे की सोचनी है और मैं बाकी अपने बच्चों को बता दो फोर्टीन ऑफ मे को मैम को वैक्सीन लगने वाली है सो so, उस दिन क्लासेस नहीं होगी उसका नेक्स्ट डे भी मैं देखती हूं गोना अफेक्ट मी एंड बी हैप्पी बाय किड्स टेक केयर